नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों आज की खबर जो है वो अनुदेशकों के ट्रांसफर को लेकर आई है। जी हाँ दोस्तों, अनुदेशकों के ट्रांसफर प्रक्रिया में एक पोस्ट आई है जिसमें अंतर जनपदीय ट्रांसफर के अवसर की बात कही गई है। अभी मैं आपको इस पोस्ट को पूरी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। दोस्तों अनुदेशकों के अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर एक पोस्ट आई है। यह पोस्ट पूर्व माध्यमिक अनुदेशन कल्याण समिति के प्रदेश सचिव शशांक मिश्रा जी ने की है और इसमें क्या लिखा हुआ आइए हम लोग सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। प्रदेश के समस्त अनुदेशक शिक्षकों के लिए एक राहत की बात है, अब महिला अनुदेशक शिक्षकों को अंतर जनपदीय ट्रांसफर का अवसर भी इसी सत्र 2021 में मिलेगा। और जैसे पिछले सत्र में हुआ, अवसर पुनः मिलेंगे। राज्य परियोजना कार्यालय से यह जानकारी 3 दिन पहले ही मिल गई थी। इसका प्रस्ताव भी बन गया है, लगभग पास भी हो गया है, लेकिन आप सभी को अवगत नहीं करा पाए। लेकिन जब तक जनवरी तक शासन आदेश जारी नहीं होगा तब तक पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश मांग भी करता रहेगा। नीचे जो है राकेश पटेल प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, अनुदेशक एकता जिंदाबाद। तो ये जो पोस्ट है वो पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के प्रदेश सचिव शशांक मिश्रा जी के द्वारा की गई है और इसमें जो है महिला अनुदेशक शिक्षकों को अंतर जनपदीय ट्रांसफर का अवसर मिलने की बात कही गई है और ये बिल्कुल साफ कहा गया है ये मौका जो है उन्हें इसी सत्र यानी कि 2021 में मिलेगा और जो पहले जो ट्रांसफर से रह गए थे अनुदेशक उनको इस मौके में जरूर बिल्कुल फायदा मिलने वाला है ताकि वो अपने मनपसंद विद्यालय में जा सके, क्योंकि बहुत सारे अनुदेशक ऐसे हैं जो 60-70-80 किलोमीटर दूर विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो उनको जो है वो उनके ही जनपद में उनके पास के ही स्कूल में जो है वो ट्रांसफर मिलना चाहिए ताकि वो इस विद्यालय जो है वो आसानी से जा सके, क्योंकि 60-70-80 किलोमीटर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है वो भी 7,000 रुपए में। तो ये आज की जो खबर है वो अनुदेशकों के अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेकर आई है। इस पे और भी जो अपडेट आती है वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।